हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आज क्लास 11 मैथ चैप्टर 1 सेट्स के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 1.5 कवर करने वाले हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 2 3 4 के अंतर्गत हम लोग समुच्चय की विधियां यानी रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, उप समुच्चय, अंतराल, घात समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय और पिछली एक्सरसाइज में सम्मिलन, सर्वनिष्ठ और अंतर के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जरूर देखिए। आज हम लोग समुच्चय के पूरक को पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। समुच्चय का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो समुच्चय के पूरक से बेसिकली मेन मतलब यह है कि एक समुच्चय उसका विपरीत लेना। अगर कोई समुच्चय है तो उसका आप अपोजिट ले रहे हैं तो वो आपका पूरक समुच्चय कहला रहा है यानी कॉम्प्लीमेंट कहला रहा है। तो इसके अंतर्गत है क्या कि समुच्चय ए के पूरक को हम ए डैश से प्रदर्शित करते हैं, यानी ए पर आप डैश लगा रहे हैं ऊपर बार की तरह से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, यानी आप सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट के साथ कोई समुच्चय को आप अंतर करें घटाएं तो आपको पूरक समुच्चय मिल जाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, आपको यू का मान दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए का मान दिया है 2 4 6 8 10। तो यहां से अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें यानी पूरक समुच्चय निकालें, और पूरक समुच्चय को कैसे बताना है, ए डैश से, इसको ध्यान रखना। तो ए डैश क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट से हम समुच्चय को घटा देंगे, यू माइनस ए कर देंगे। तो जब हम यू माइनस ए करेंगे तो जो ए होगा वो पूरा हट जाएगा, यानी 2 4 6 8 10। अब जब 2 4 6 8 10 आप हटा दोगे तो ए डैश के अंदर क्या बच जाएगा, 1 3 5 7 9। अब चलिए उदाहरण नंबर 20 देखते हैं। उदाहरण नंबर 20 कह रहा है कि आपको U का मान दिया है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, और A कह रहा है आपको 1 3 5 7 9, और आपको बताना है कि A डैश ज्ञात कीजिए। तो कॉम्प्लीमेंट निकालना यानी A डैश निकालना पिछले ही एग्जाम्पल की तरह है जैसे मैंने बताया। तो क्या होगा कि आप यू यूनिवर्सल सेट यानी यू से आप ए घटा देंगे, जब आप ए अंतर करेंगे तो 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 हट जाएगा, तो 1 3 5 7 9 आप हटा रहे हो। तो जब 1 3 5 7 9 हटेगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा 2 4 6 8 और 10। इसलिए उदाहरण नंबर 21 देखते हैं। उदाहरण नंबर 21 कह रहा है कि मान लीजिए कि यू एक सह शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है और ए कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय है। तो ए डैश ज्ञात कीजिए यानी कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। तो किसी स्कूल में कक्षा 11 जो है उसके सभी विद्यार्थियों का समुच्चय जो है वो यू बता रहा है। यूनिवर्सल सेट क्या है, कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी। ए क्या है, कक्षा 11 की सभी लड़कियां। तो आप कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों में से यदि आप लड़कियां हटा देते हैं, लड़कियों को हटा दे, तो बच जाएगा आपका लड़के। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यानी पूरक समुच्चय क्या होगा, पूरक समुच्चय आप सभी विद्यार्थियों में से यदि आप लड़कियां हटा रहे तो आपके पास बच जाएगा कक्षा 11 के सभी लड़के, कक्षा 11 के सभी लड़के। इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, सभी लड़के। अब चलिए उदाहरण नंबर 22 देखते हैं। उदाहरण नंबर 22 कह रहा है कि मान लीजिए कि U आपको दिया है 1 2 3 4 5 6, A दिया आपको 2 3, B दिया 3 4 5। तो आपको कुछ चीजें निकालनी है जैसे कि A डैश। तो यदि आप A डैश निकालेंगे तो A आपको दिया है 2 3, तो U में से आपने A हटाया यानी 2 3 हटाया। जब 2 3 हटाएंगे तो आपका A डैश क्या बच जाएगा, A डैश बच जाएगा आपका 1, 2 3 हट गया यानी 1, फिर 4 5 और 6, इस प्रकार से, ठीक है। और अगर हम बी डैश की बात करें, अब आपसे कह रहा है कि बी डैश निकालो, तो बी डैश कैसे निकालेंगे, यू में से बी घटा देंगे, बी दिया आपको 3 4 5। जब 3 4 5 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा आपके पास, बच जाएगा 1 2 3 4 5 निकल गया तो बचा 6, इस प्रकार से, ठीक है। फिर अगर हम बात करें आगे कह रहा है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ए डैश और बी डैश का आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो जब ए डैश और बी डैश का आप इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट फिर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम इनके बीच में इंटरसेक्शन करें, और पिछली एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि इंटरसेक्शन होता क्या है, सर्वनिष्ठ होता क्या है, क्या होता है, कॉमन देखेंगे, क्या कॉमन है इसमें, सिर्फ 1 कॉमन है और 6 कॉमन है। अगर हम ए डैश और बी डैश की बात करें तो क्या कॉमन है, 1 कॉमन है और 6 कॉमन है, तो क्या निकल आएगा, 1 और 6। फिर अगर हम बात करें कि ए यूनियन बी ज्ञात करो, तो अब ए यूनियन बी कह रहा है यानी ए और बी का सम्मिलन करा देंगे। तो जब ए और बी को मिलाएंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, बचेगा आपको 2 3 4 5, क्योंकि 3 को तो एक ही बार लेंगे,
2, 3, 4, 5 ये हो गया। अब आपको फिर ये कह रहा कि इतना सिद्ध करके बताओ, तो चलिए इतना सिद्ध कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे कि RHS और LHS के तौर पे इसको हल करेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के तरह इसको हम हल करते हैं। कैसे, देखिए अगर हम LHS लेते हैं तो LHS में दिया है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट यानी डैश, और अभी अपन ने A यूनियन B निकाला, A यूनियन B आया आपका 2, 3, 4, 5, अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो U से हम घटा रहे हैं, तो A यूनियन B, तो जब हम 2, 3, 4, 5 U से हटा देंगे तो हमें पास क्या बच जाएगा, 1, 1 और 6, 1 और 6 बच जाएगा। और RHS कितना है आपका, RHS दिया है आपको A डैश इंटरसेक्शन B डैश, और A डैश और इंटरसेक्शन B डैश आपने निकाला था, A डैश इंटरसेक्शन B डैश आपने निकाला था, कितना आया था, 1, 6 आया था कि नहीं, 1, 6। तो आप देख रहे हैं कि LHS बराबर RHS यानी हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम यह सिद्ध। अब पिछले उदाहरण में जो हमने सिद्ध किया है उसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन नियम। तो डी मॉर्गन गणितज्ञ ने एक नियम दिया जो आपने पिछले एक्सरसाइज में, पिछले एग्जाम्पल में सिद्ध किया है। तो क्या है कि दो समुच्चयों के सम्मिलन, यानी दो समुच्चय ए और बी है उसको मिला रहे, सम्मिलन कर रहे का पूरक, यानी उस पर होल डैश लगा रहे, इसका मतलब ये कहलाया दो समुच्चयों का सम्मिलन का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट, उनके पूरक समुच्चयों यानी उनके पूरक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होता है, का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन होता है। आई होप ये जो चीज लिखी है वो आपको समझ में आई होगी। दो समुच्चयों के सम्मिलन यानी दो समुच्चय लिए आपने ए और बी, ए और बी उनका आप सम्मिलन करा रहे हैं यानी यूनियन करा रहे हैं, का पूरक यानी आप कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हैं ऊपर, उनके पूरक यानी समुच्चयों के पूरक का सर्वनिष्ठ होता है यानी इंटरसेक्शन होता है, ये चीज यहाँ पर आपको लिखी है सूत्र में, तो इस सूत्र को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे क्या कि दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ, अब उनका सर्वनिष्ठ कर रहा है यानी इंटरसेक्शन कर रहा है, का पूरक फिर आप कॉम्प्लीमेंट लगा रहे, उनके पूरक समुच्चयों, फिर उनके पूरक समुच्चयों का सम्मिलन होता है, का सम्मिलन होता है। तो जो चीज लिखी है वो आपको सूत्र के तौर पे आपको ध्यान रखनी है, क्या कह रहा है कि दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ, तो सर्वनिष्ठ करने का मतलब इंटरसेक्शन, दोनों समुच्चयों का इंटरसेक्शन, का पूरक यानी उस पर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट उनके पूरक समुच्चयों, पूरक समुच्चय यानी ए डैश और बी डैश का सम्मिलन होता है यानी यूनियन होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट के कुछ प्रॉपर्टी और हैं जिसको आपको ध्यान रखना है कि यदि हम समुच्चय और उसके कॉम्प्लीमेंट का सम्मिलन कराएं यानी यूनियन कराएं तो आपको यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय प्राप्त होगा। अगर हम उन दोनों का यानी समुच्चय और पूरक समुच्चय का इंटरसेक्शन कराएं तो चूंकि समुच्चय का विपरीत होता है पूरक समुच्चय तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो क्या होगा, फाई होगा। अगर किसी समुच्चय का हम दो बार कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं तो वही समुच्चय फिर से प्राप्त हो जाता है। अगर हम फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालें, मतलब पहले से कोई चीज खाली है अब उसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, यू माइनस फाई करेंगे, और यूनिवर्सल सेट से अगर हम फाई घटाएंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा फाई डैश बराबर यूनिवर्सल सेट। अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाले यानी यहां पर आप क्या कर रहे हैं कि u माइनस यू तो आपको क्या मिलेगा, तो हमें फाई मिलेगा, इसको आप। अब चलिए प्रश्नावली 1.5 देखते हैं। प्रश्नावली 1.5 का पहला सवाल आपको कह रहा है कि आपको u का मान दिया है, a का मान दिया है, b का मान दिया है, c का मान दिया है, तो आपको कुछ मान निकालने हैं। आपको पहला मान कह रहा है कि a डैश निकालो, तो जब a डैश निकाल रहे हैं तो a डैश का मतलब क्या, u में से a घटा देंगे, ठीक है, u में से आप a हटा दे रहे हैं, तो a डैश क्या बच जाएगा, आपको a दिया है 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 हटाने पर आपको क्या मिलेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9। फिर कह रहा है b डैश, अब b डैश करेंगे तो b हटा देंगे u से b डैश के लिए, ठीक है, तो b में क्या दिया आपको, 2, 4, 6, 8, तो जब 2, 4, 6, 8 हटाओगे आप u से तो आपको बच जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9। अब आगे कह रहा है कि a यूनियन c, तीसरा कह रहा है आपको कि a यूनियन c कॉम्प्लीमेंट, मतलब a और c का पहले आप यूनियन निकालिए, a यूनियन c, तो a और c का हम यूनियन निकाले हैं, तो ये दिया आपको 1, 2, 3, 4 और यहाँ दिया 3, 4, 5, 6, तो यूनियन कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसका आपको कह रहा कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो यदि हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो u से हटा देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6,
हटा देंगे तो कितना बच जाएगा, आपको बच जाएगा 7, 8, 9, ये बच जाएगा। ठीक है, चौथे की बात करें, अगर चौथा सवाल दे रहा है आपको ए यूनियन बी, पहले आपको ए और बी का यूनियन करना है, ए यूनियन बी, तो हम ए यूनियन बी निकालें तो कितना जाएगा, ये बच जाएगा आपको 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और आ जाएगा आपको 6, 8, 6, 8। अब इसका कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट निकालिए भाई, तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। तो यदि हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या बच जाएगा कि 1, 2, 3, 4 गया तो बचा 5, 6, 7, 8 गया तो 9, ये बच जाएगा। ठीक है, ये चौथा हो गया। पांचवा कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, तो अभी अपन ने नियम पढ़ा था, ठीक है, अभी अपन ने नियम पढ़ा था कि ए कॉम्प्लीमेंट और फिर कॉम्प्लीमेंट, यदि दो बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो पूरा का पूरा वही समुच्चय बचता है, तो सीधा सीधा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब वो छठवां कह रहा है अगला सवाल कि बी माइनस सी और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले बी माइनस सी, तो अगर बी माइनस सी आपको अंतर नहीं पता है तो पिछली एक्सरसाइज को आपको जाके वीडियो देखना होगा। ठीक है, तो बी माइनस सी करेंगे तो सी हटा देंगे, तो सी में क्या है आपका 3, 4, 5, 6। ठीक है, अगर हम 3, 4, 5, 6 हटा रहा है तो ये 4 हट रहा है और 6 हट रहा है, तो क्या बचा आपको, ये बचा आपको 2 और 8। ठीक है, बचा 2 और 8। अब इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे, तो यदि हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो 2, 8 हट जाएगा, यानी क्या बच जाएगा आपको, बचेगा 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 9, ये बच जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपको यू दिया है ए से एच तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात करना, आपको ए दिया है तो एक, अब इसका ए का हम पूरक निकालेंगे यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा, ए बी सी हट जाएगा, तो जब आप ए बी सी हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, डी ई एफ जी एच, ये बच जाएगा। ठीक है, अगर हम बी का निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने पर क्या निकलेगा, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो डी ई एफ जी, डी ई एफ जी हटा दीजिए, यानी डी एफ जी हटाने पर क्या, ए बी सी, डी ई एफ जी हट गया और बचा एच, ये बच जाएगा। अब सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सी का कॉम्प्लीमेंट कैसे, कि ए सी ई जी हटा दीजिए, यानी ए हटा तो बी सी हट गया, फिर डी ई हट गया तो एफ और जी हट गया तो एच, इस प्रकार से। ठीक है, अब डी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो डी का कॉम्प्लीमेंट में क्या, एफ जी एच ए, एफ जी एच ए हट गया तो बचा आपका बी सी डी ई, एफ जी एच हट गया। ठीक है, तो इतना बच जाएगा डी का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के आपको कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक निकालने हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट है आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब पहला सवाल कह रहा है कि x such that x एक प्राकृतिक सम संख्या, प्राकृतिक संख्या में से यदि आप सम संख्या निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा, विषम संख्या बच जाएगा, तो इसका पूरक समुच्चय क्या बनेगा, इसका बनेगा आपको इस प्रकार से, x such that x एक प्राकृत, एक प्राकृत विषम संख्या। अगर आप प्राकृतिक संख्या में से सम संख्या हटा दो, प्राकृतिक संख्या में से सम हटा दी, यानी सम यानी 2, 4, 6, 8 ये सारी संख्या हटा दी, तो क्या बच जाएंगी, विषम संख्या बच जाएंगी। और उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक प्राकृतिक विषम संख्या, अब प्राकृतिक संख्या में से यदि आप विषम हटा दो तो क्या बच जाएगा, सम संख्या बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पूरक निकालना है, तो आप क्या कर रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या में से विषम हटा रहे, तो क्या बच जाएगा आपको, बच जाएगा सम संख्या, x such that x एक प्राकृत सम संख्या, एक प्राकृत सम संख्या है, इस प्रकार से। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, कह रहा है कि x such that x संख्या 3 का एक धन गुणज है, यानी इसका जो आपको समुच्चय बन रहा है वो किस प्रकार से बन रहा है, ये बन रहा है आपको 3, 6, 9, 3 का गुणज 9, 12, 15, इस प्रकार से बन रही। अब प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत यदि आप ये हटा दें 3, 6, 9, 12, 15, अगर ये हटाते तो इसके अलावा जितने भी अंक होंगे वो बच जाएंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसके लिए कि x such that x संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है, धन गुणज नहीं है, इस प्रकार से बचेगा। क्यों, क्योंकि आप 3, 6, 9, 12, 15 हटा रहे तो आपको क्या मिल रहा, आपको मिलेगा 1, 2, 4, 5, इस प्रकार से, जो कि 3 की गुणज होंगी नहीं, तो इसीलिए इतना बच जाएगा। फिर चौथा सवाल, एक अभाज्य संख्या, अब प्राकृतिक संख्या में यदि आप अभाज्य संख्या हटाओ तो आपके पास क्या बच जाएंगी, भाज्य संख्या बच जाएंगी, लेकिन इसमें आपको एक बात और याद रखना है कि भाज्य संख्या तो बचेगी, एक साथ में और आएगा अंक, क्यों, क्योंकि एक ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है,
इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, इसीलिए भाज्य संख्या भी बचेगी और एक्स एक भी बचेगा। तो यहां पर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा कि एक्स सच दैट एक्स एक भाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या या एक्स बराबर एक, मतलब एक भी हो सकता है और भाज्य संख्या भी हो सकती है, इस प्रकार से। ठीक है, अब पांचवा कि एक्स सच दैट एक्स तीन और पांच से विभाजित होने वाली एक संख्या। तो अब क्या कि जो तीन और पांच से डिवाइड हो रही है, यानी तीन से कौन सी होगी, तीन जाएगी पांच से, फिर पांच जाएगा, फिर छह नौ दस, इस प्रकार से ये संख्याएं आएंगी। अब पूरक के लिए आप इन संख्याओं को हटा देंगे, तो जब इन संख्याओं को हटा देंगे तो कौन सी संख्या आएगी, जो तीन से भी डिवाइड नहीं होगी और जो पांच से भी डिवाइड नहीं होगी। आई होप मेरी बात क्लियर है। ऐसी संख्याएं पूरक कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट सेट, पूरक समुच्चय में ऐसी संख्याएं आएंगी जो ना तो तीन से डिवाइड हो रही है और ना ही पांच से डिवाइड हो रही है। तो हम कैसे लिखेंगे, बस आपको लिखना है किस प्रकार से लिखना है कि एक्स सच दैट एक्स संख्या तीन से विभाजित नहीं होती है, तीन से विभाजित नहीं होती है या पांच से विभाजित नहीं होती है। अब संख्या ऐसी होगी जो ना तो तीन से डिवाइड हो रही होगी ना पांच से डिवाइड हो रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें, छठवां सवाल। तो एक पूर्ण संख्या, अगर एक पूर्ण संख्या है तो इसका विपरीत क्या बनेगा, पूरक समुच्चय क्या बनेगा, वो बनेगा जो वर्ग नहीं होगा। तो आप कैसे लिख दोगे कि x such that x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बस इतना, नहीं है। ठीक है, साथ में की बात करें तो x such that x एक पूर्ण घन संख्या, तो आप लिखेंगे पूरक समुच्चय बराबर, ये चीज लिखेंगे। भाई आपको बताना है, मैं तो आपको समझा रहा हूं, नोट्स अगर आप बनाते चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आपको क्या लिख देना है कि x such that x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, पूरक समुच्चय क्या बनेगा, तीन को छोड़ के बाकी सब कुछ, यानी ये बन जाएगा आपको इस प्रकार से, वन टू तीन छोड़ के तो फोर फाइव सिक्स सेवन, इस प्रकार से डॉट 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 एंड सो। ठीक है, अब आपको आगे कह रहा है कि टू एक्स प्लस पांच बराबर नौ, यानी ये आपको दे रहा है टू एक्स प्लस पांच बराबर नौ। तो ये कितना बचा, टू एक्स बराबर पांच, वहां घटेगा तो नौ में से पांच गया चार और दो का गुणा है तो हो जाएगा भाग। तो चार में जब आप दो का भाग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, दो मिलेगा। क्लियर है बात, तो x बराबर दो। तो अब कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि दो नहीं होगा बाकी सब कुछ होगा, दो नहीं होगा बाकी सब कुछ होगा। तो क्या बनेगा आपको, वन फिर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अब आगे आपको दिया है असमिका, ये याद रखना, ये चीज जो कहलाती है इन इक्वालिटी कहलाती है, असमिका कहलाती है। असमिका क्या कह रही है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन, मतलब x का जो मान है वो सात से बड़ा है और सात के बराबर है। यानी यहां पर जो समीकरण आपको बन रहा है वो किस प्रकार से, आपको जो समुच्चय बन रहा है वो कैसे बन रहा है कि सात के बराबर और सात से बड़ा, यानी सात आठ नौ दस ग्यारह, ये बन रहा है। ठीक है, तो अब पूरक में क्या होगा, पूरक में ये हट जाएंगी, यानी एक से छह तक की संख्या आएगी, एक से छह तक की संख्या आएगी, यानी क्या बन जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x such that x belongs to capital N, फिर क्या लिख सकते हो कि x का मान जो है वो सात से छोटा है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो इसके लिए दसवें सवाल के लिए। ठीक है, आई होप बात क्लियर रही होगी। ठीक है, अब ग्यारहवां सवाल देखते हैं। तो ग्यारहवें सवाल क्या कह रहा है कि x such that x belongs to N और ये आपको इन इक्वालिटी दी, असमिकाओं का आपका एक चैप्टर है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का जो चिन्ह होता है वो असमिका के लिए बताता है। ठीक है, अब ये आपको तो पता ही होगा, जिसकी तरफ मुंह खुलेगा वो हमेशा बड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं हम ए बड़ा है बी से, यानी ए इज ग्रेटर देन बी, और इसको बोलते हैं ए छोटा है बी से, यानी ए इज लेस देन बी, इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हुआ करे कभी भी कैसी भी, तो मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम पर आप स्क्रीनशॉट खींचिए, प्रॉपर एक एक पॉइंट में आपको समझा दूंगा वहां पर, समझ गए आप बात। अब ग्यारहवां देख लेते हैं। ग्यारहवें में कह रहा है कि 2x plus 1 greater than 10, तो एक है तो एक वहां घटेगा तो कितना बचेगा, नौ बचेगा, तो ये हो जाएगा 2x greater than 9, तो कितना हो जाएगा x greater than 9 upon 2, यानी x greater than 4.5। अब x greater than 4.5 मतलब x का मान साढ़े चार से बड़ा है, और प्राकृतिक संख्या के बारे में बात कर रहा था, तो जब साढ़े चार से बड़ा है तो इसका मतलब क्या,
कि x का मान क्या होगा, x का मान होगा 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से जाएगा। अब पूरक समुच्चय में ये चीजें हट जाएंगी, जब पूरक समुच्चय में ये चीजें हट जाएंगी तो पूरक समुच्चय आपको क्या बनेगा, ये बनेगा आपको 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से 1, 2, 3, 4। अब इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N, x का मान कहां से कहां तक है, x का मान 4 से छोटा है, ठीक है, तो x लेस देन 4 इस प्रकार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपको U दिया, A दिया, B, तो B दिया सत्यापित करना है, इतना करना है। तो पहला, तो ये आपके एग्जांपल की तरह है। अब पहले सवाल में अगर हम LHS को लें, LHS और RHS की तरह इसको हल करते हैं, तो LHS क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि A यूनियन B का डैश यानी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले अपन निकालते हैं A यूनियन B, तो यदि हम A और B का यूनियन कराएंगे तो कितना मिलेगा आपको, मिलेगा आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये मिल जाएगा। अब इसका कह रहा कॉम्प्लीमेंट निकालने को, तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, A यूनियन B का आप कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, थीके? तो क्या बच जाएगा कि आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7 हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1, 9 बचेगा, 1 और 9 इस प्रकार से। अब हम RHS निकाल लेते हैं, तो RHS निकालने पर क्या होगा, RHS आपको दिया है A डैश और इंटरसेक्शन B डैश, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो हम A डैश निकालते हैं पहले, तो A डैश निकालेंगे 2, 4, 6, 8, तो 2, 4, 6, 8 निकालने पर क्या बचेगा आपको 1, 3, 5, 7, 9 ये बचेगा, और B डैश निकालने पर क्या बचेगा 2, 3, 5, 7 हटा दिए तो बचेगा आपका 1, 4, 6, 7, 7 हट जाएगा, तो 8 और 9 ये बचेगा। अब इसका कह रहा था इंटरसेक्शन, तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश, A डैश इंटरसेक्शन B करेंगे तो कॉमन क्या है 1 है और 9 है, तो 1 और 9। तो यहां आप देख रहे हैं कि RHS, यहां आप देख रहे हैं कि LHS, ये LHS रहा और ये RHS, तो LHS और RHS आप देख रहे हैं, LHS और RHS बराबर है, तो LHS बराबर RHS, ठीक है, तो ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया, इस प्रकार से करना था कोई। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपको A इंटरसेक्शन B डैश, तो A इंटरसेक्शन B डैश, यहाँ पर आपने LHS लिया, LHS लिया तो A इंटरसेक्शन B डैश, तो हमने पहले इंटरसेक्शन निकालना A और B का, A और B का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और 2 कॉमन है बस, 4, 6, 8 यहाँ 3, 5, 7 तो सिर्फ 2 कॉमन था, जब 2 कॉमन है अब इसका आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या बचेगा 2 हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपको बचेगा 1, 3, 5, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये बच जाएगा, ठीक है, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये बच जाएगा। अब आपको RHS निकालना है, तो RHS निकालने के लिए RHS यदि हम इसका RHS निकालेंगे A डैश यूनियन B डैश, ठीक है, तो और A डैश हमने ये निकाला था और A डैश ये निकाला था, ठीक है, A डैश आया था आपको 1, 3, 5, 7, 9 और B डैश कितना आया था, B डैश आया था आपको 1, 4, 6, 8, 9, ठीक है। अब इसका आपको यूनियन करने के लिए कह रहा, तो इसका आपको यूनियन करने के लिए कह रहा, तो यूनियन कर दीजिए, ठीक है, इसको आपको यूनियन करने के लिए कह रहा, तो यूनियन कर देंगे, तो यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 1 और 2 नहीं है और बाकी सब आएगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से, ठीक है, आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए, तो वेन डायग्राम खींचना, यदि आपको वेन डायग्राम नहीं पता है कैसे करना है और उसका नियम क्या है तो आप पिछले एक्सरसाइज को देखिए, पिछले वीडियो को देखिए, उसमें आपको क्लियर दिया गया। आप इसको वेन आरेख को बनाएंगे कैसे, पहला आपको कह रहा है कि ए यूनियन बी उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले आप A यूनियन B करेंगे, तो A यूनियन B कैसे कि A और B का सम्मिलन, A और B का सम्मिलन कितना, ये पूरा A और B आएगा, यदि ये A है, ये A है और ये B है, तो A और B का पूरा इकट्ठा ये आएगा, ठीक है, ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा आपका A यूनियन B। फिर कह रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या कि जितना भी हिस्सा आपको A और B का यूनियन में है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ ले लेंगे, यानी क्या कि इसके बाहर वाला जितना भी एरिया है, इसके बाहर जितना भी आप एरिया देख रहे हैं वो सब कुछ आपका क्वेश्चन नंबर पहला बताएगा, यानी A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। इसी अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि A इंटरसेक्शन A डैश इंटरसेक्शन B डैश, यानी A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो अब यहां पर आप लगाएंगे डी मॉर्गन नियम। अब डी मॉर्गन नियम क्या कहता है कि यदि आपका दोनों पर डैश लगा है तो इकट्ठा डैश कीजिए
और चिन्ह बदल दीजिए। क्या मतलब इसका कि आप ए और बी का इकट्ठा टेस्ट करेंगे और इंटरसेक्शन था तो आप यूनियन कर देंगे, बस इस प्रकार से। तो देखिए पहले और दूसरे में कोई अंतर रहा तो पहले और दूसरे में कोई अंतर नहीं रहा, यानी इसके लिए भी दूसरे के लिए भी यही चित्र बनेगा। अब बात करते हैं तीसरे के लिए, तो तीसरे में क्या कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो यहां पर देखेंगे कि ए और बी का इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन ही कॉमन हिस्सा बीच वाला हिस्सा कहलाएगा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला आपका एरिया जो होगा वो ए और बी के लिए इंटरसेक्शन कहलाएगा। अब वो कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट निकालो यानी पूरक निकालो, तो इसको छोड़ के बीच वाले हिस्से को छोड़ के बाकी सब कुछ आपका क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। ठीक है, यानी ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या कहलाएगा, बीच वाले हिस्से को छोड़ के बाकी सब कुछ होगा वो आपका वेन डायग्राम कहलाएगा। इस प्रकार से करना था, आई होप बात क्लियर रही होगी। चौथे सवाल की अगर हम बात करते हैं तो चौथा सवाल कह रहा है आपको ए डैश यूनियन बी डैश, तो यहाँ पर भी आप डी मॉर्गन नियम लगाएंगे। डी मॉर्गन नियम क्या कहता है कि आप दोनों के डैश को इकट्ठा कीजिए, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर दीजिए, यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर दीजिए। क्या मतलब कि यहाँ ए यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर देंगे और डैश लगा देंगे। तो ये देखिए चौथे ही है, चौथे का तीसरा ही है, तो तीसरा भी आपको इसी प्रकार जैसे तीसरा है वैसे ही चौथा बनेगा। ठीक है, नंबर छह देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छह कह रहा है कि मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू है, यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है तो ए डैश क्या है। तो जरा सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सवाल में है कुछ नहीं, आपसे कह रहा है ए डैश निकालने के लिए। ठीक है, तो सवाल का अर्थ क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। यू कह रहा है आपको त्रिभुजों का समुच्चय, जितने भी त्रिभुज हो सकते हैं वो सब यू के अंदर हैं। ए कह रहा है उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, इसका मतलब क्या कि हो सकता है सारे कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, सब कोण 60 डिग्री से अलग हो। यानी फिर कॉम्प्लीमेंट के बारे में सोचिए, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट वो बनेगा जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री का है। ठीक है, आपको ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए डैश क्या बनेगा कि उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री का है, कम से कम एक कोण 60 डिग्री का है। अब कम से कम एक कोण 60 डिग्री का मतलब क्या कि हो सकता है तीनों कोण 60 डिग्री का हो, भाई कम से कम एक कोण 60 डिग्री का। ठीक है, और कह रहा है कि अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, तीनों कोण 60 डिग्री के हो सकते हैं। जब तीनों कोण 60 डिग्री के हो रहा है यानी क्या बन रहा है आपका समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, साठ डिग्री का कोण किसमें होता है, समबाहु में। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय इस प्रकार से है। ए डैश क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। चलिए क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सात कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए, तो आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। पहला कह रहा है ए यूनियन ए डैश, अब ए और ए डैश का जब यूनियन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपके डी मॉर्गन जो आपको सूत्र लिखाए थे पूरक के गुणधर्म वहां पर है। ठीक है, तो वही आपको सब बनना है, ए यूनियन ए डैश। तो ए यूनियन ए डैश क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट बनता है, मतलब समुच्चय और उसका विपरीत समुच्चय यानी पूरक समुच्चय को आप मिला देंगे तो सार्वत्रिक समुच्चय आपको मिलेगा। अगर आप फाई के साथ करते, अच्छा फाई डैश क्या होता है, आपको फाई डैश आपको याद रखना, फाई डैश होता है यू। तो अगर U का A के साथ हम इंटरसेक्शन कराएं, ठीक है, यहाँ फाइव डैश की जगह क्या है, फाइव डैश की जगह U, तो U इंटरसेक्शन A। अब यहां से अगर U से A कॉमन निकालें तो क्या निकलेगा, A ही निकलेगा। ठीक है, अगर A और A डैश का इंटरसेक्शन कराएं तो क्या होगा, फाइव, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। U डैश क्या होता है, U डैश होता है फाइव, तो फाइव इंटरसेक्शन A कराएं तो फाइव के साथ अगर किसी समुच्चय का इंटरसेक्शन कराते हैं तो क्या निकलता है, फाइव निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज आपकी यहीं समाप्त होती है। आशा है, उम्मीद है, होप है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। इसके अलावा वीडियो आपको कैसा लगा है, सारी भावनाएं आप कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है उस जगह स्क्रीनशॉट या फोटो पिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कीजिए, मैं आपको वहां पर हर एक सवाल का जवाब दूंगा।
इंस्टाग्राम पर यदि आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो वहां जरूर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।